डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन जिन्हें हम डीएमई कहते हैं, डॉक्टर आदिले, आज आज दुनिया जानकारी मिली कि किसी महिला हिला ने ने उनके संदर्भ में थाने में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। पूछने पर यह पता चला कि प्रकरण कहा हवाला जो दिया है वो जरूर 2 साल पुराना है। वो जांच की प्रक्रिया है, जांच होगी अपने जगह और जो भी उचित कार्रवाई है जरूर कार्रवाई भी होगी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है। आदिले जी ने के संबंध में दो दो प्रकरण और इसके पहले सामने आए थे। एक विधि विभाग ने इनके संदर्भ में कार्रवाई के लिए, हाई कोर्ट में कार्रवाई के लिए भोजन अभियोजन, के लिए सहमति विभाग से मांगी थी। यानी पहले के प्रकरण चल रहे थे उनके तथ्यों को देखकर हम लोगों ने सहमति भी दी थी कि इनके खिलाफ अगर केस चलाते हैं तो विभाग को कोई आपत्ति आपत्ति नहीं नहीं, होगी। और दूसरा प्रकरण, अगर अखबारों में एक बात छपी थी कि कुछ खरीदी मेकाहारा में हुई थी करीब 5 लाख के आसपास का, और वो शायद अनुचित थी। जिन्हें खरीदी किया वो ठीक तरीके से खरीदी नहीं हुई। इसकी इस जांच कराई विभाग ने और जांच में ये पाया गया कि 5 लाख नहीं करीब 95 लाख की ऐसी खरीदी है जो बहुत संदेह के दायरे में है। इन बातों को ध्यान में रख के मैंने विभाग के प्रमुख हमारे ACS रेणु पिल्लई मैडम को मैंने ये कहा है कि ये अभी आप भी प्रभार में है, डीएमई नहीं है, एक्सटेंशन में प्रभार इनको डीएमई का है, तो प्रभार से मुक्त करके किसी और को डीएमई की जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि एक्सटेंशन हमने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मांगा था, ये हम जेडी विभाग को भेज रहे हैं और जेडी विभाग से जैसे डायरेक्शन आता है तो आगे कि की कार्रवाई और और दूसरे की नियुक्ति हम लोग करेंगे। ब्रह्मा, इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत को महिला थाने में परीक्षण के लिए भेजा गया है और उसके परीक्षण पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये आरोपी कौन है सर, जिसके खिलाफ ये शिकायत की गई है? इस आदिले के खिलाफ में शिकायत प्राप्त हुई है और अभी परीक्षण कराया जा रहा है। इसके कहाँ से शिकायत हो, परीक्षण हो रहा है इसका? महिला थाने में भेजा गया है। ठीक है।